नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं पैसे कमाने का एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट यूटीआई पेन एजेंसी का। अब आप कहेंगे कि देश में तो बहुत सारे यूटीआई पेन एजेंसी हैं, तो इसमें क्या खास है? जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही, लेकिन इसमें कुछ बहुत ही खास है जिसके बारे में आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों, देर किस बात की, इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर तक देखते रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, यूटीआई पेन एजेंसी के पास अलग अलग तरह के लेवल होते हैं। आप कौन सा यूजर आईडी लेना चाहते हैं उनमें से, ये आपकी मर्जी है। जैसे कि यहाँ पर जो है सब एडमिन रहता है, वाइट लेबर रहता है, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर, इस तरीके से। तो सभी लेवल्स में अपने अपने तरीके से कमाई है। आप जितना ज्यादा अच्छा लेवल लेंगे, हाई लेवल लेंगे, आपकी अर्निंग उतना ज्यादा होगी। अब दोस्तों होता क्या है कि मान लीजिए मैं एक मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर का आईडी लिया। अब मैंने उसमें से बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर आईडी क्रिएट किए और उन सभी डिस्ट्रीब्यूटर ने अलग अलग जो है रिटेलर आईडी क्रिएट किए। अब यहाँ पर बात आ जाती है अर्निंग सोर्स की, कि इसमें कमाई किस तरीके से होता है। तो देखिए, यूटीआई के जरिए पैन कार्ड बनाने के लिए कूपन की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को, जैसे कि मान लीजिए मैं मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर का आईडी लिया हूँ, तो मुझे मिलेगा एक कूपन 97 रुपीस में। अब मैं ये प्राइस सेट कर सकता हूँ इसका, कि मुझे इसको डिस्ट्रीब्यूटर को कितने में बेचना है, सेल करना है। तो इसका प्राइस मैं सेट कर लेता हूँ 98 रुपीस। तो मैंने 97 में उसको परचेस किया एक कूपन और 98 में बेचा, तो मुझे यहाँ पर एक रुपए कमीशन मिल गया। अब डिस्ट्रीब्यूटर भी जो है ये सेट कर सकता है प्राइस, कि उसे रिटेलर को कितना में सेल करना है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यहाँ पर 101 रुपए सेट किया है, तो वो जो है 98 रुपीस में मुझसे खरीदा कूपन और 101 रुपए में बेचा रिटेलर को कूपन, तो इस तरीके से उसको भी 3 रुपए का कमीशन मिल गया। अब रिटेलर इस 101 रुपए में पैन कार्ड बनाकर ग्राहक को देगा और पैसे कमाएगा, और इसी तरीके से बाकी सभी लेवल भी डायरेक्ट पैन कार्ड बनाकर भी पैसे कमा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, आज मैं जिस यूटीआई पेन एजेंसी के बारे में बता रहा हूं, तो इसमें क्या खास है? तो देखिए दोस्तों, अदर जितने सर्विस प्रोवाइडर हैं, एजेंसीज हैं, उनमें क्या होता है कि मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को स्टॉक में कई सारे कूपन रखने पड़ते हैं, और ऐसे में अभी लॉकडाउन की वजह से पैसों की क्या किल्लत पड़ रही है देश में, ये आप सभी को अच्छी तरीके से पता है। तो यहाँ पर ज्यादा कूपन्स खरीदने के लिए, स्टॉक में रखने के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, सबसे पहला प्रॉब्लम ये। और दूसरा प्रॉब्लम, अगर मान लीजिए रिटेलर ने अपने खुद से सेल्फ कूपन परचेस कर लिया और उसको यूज कर लिया, तो उसमें ना ही डिस्ट्रीब्यूटर को और ना ही मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को, किसी को भी एक रुपए कमीशन नहीं मिल पाएगा। तो इन दोनों ही प्रॉब्लम को देखते हुए यहाँ पर नई तकनीक के जरिए जो है सॉल्व कर लिया गया है। और आज मैं जिस यूटीआई पेन एजेंसी के बारे में बता रहा हूँ, यहाँ पर रिटेलर को जरूरत नहीं है कि आपसे ही परचेस किया हुआ कूपन यूज करे, वो चाहे तो सेल्फ कूपन बाय करके भी उसे यूज कर सकता है, और उसमें भी डिस्ट्रीब्यूटर को, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को भी कमीशन मिलेगा। इसका मैं आपको लाइव प्रूफ चलिए बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये है PSA पेन इंडिया का पोर्टल, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ आएंगे तो आपको होम पेज पर देखने को मिलेगा फुली ऑटोमेटिक सिस्टम। तो ये क्या है फुली ऑटोमेटिक सिस्टम, ये आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर लाइव करके दिखाने वाला हूँ। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में पता चल जाएगा कि किस किस रोल में आपको कितना देना पड़ेगा। तो सब एडमिन के लिए 5,999 रुपये, वाइट लेबल के लिए 1,999 रुपये, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए 399 रुपये, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए 199 रुपये, और यहाँ पर रिटेलर के लिए 51 रुपये। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सिंपली ऊपर स्क्रॉल करना है, यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन हियर पर क्लिक करना है, अपनी कुछ डिटेल यहाँ पर फिल करनी है, जैसे कि नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, अपना पिन कोड, एड्रेस, और सिलेक्ट योर स्टेट में अपना स्टेट, और रोल में आपको जो भी यूजर आईडी चाहिए उसको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आप रोल के तहत आईडी लेना चाहते हैं, और सिंपली रजिस्टर बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी यहां पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगी, जिसके बाद आप अपने
ईमेल आईडी और पासवर्ड से यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन हो जाने के बाद दोस्तों आपको अपना अकाउंट एक्टिवेट करना होगा। देखिए प्रोफाइल एक्टिवेशन फीस, तो मैंने यहाँ पर रिटेलर का रोल सिलेक्ट किया था तो मुझे 51 रुपये पे करना पड़ेगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर नीचे पे नाउ पर क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको ये पेमेंट मेथड पर ले जाएगा। तो आप जिस भी पेमेंट मेथड के जरिए पे करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लीजिए और पेमेंट कर लीजिए। उसके बाद ये प्रोसेसिंग लेगा और आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाने के कुछ सेकंड्स बाद आपको वापस पोर्टल पर ले जाएगा। उसके बाद आप अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड से फिर से लॉगिन कर लीजिए। यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर पूछा जाएगा, तो पैन नंबर एंटर करके अपडेट बटन पर क्लिक कर दीजिए, जिसके बाद आपकी अकाउंट यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगी। तो दोस्तों आपको यहाँ पर सिंपली सबसे पहले लॉगिन कर लेना है अपने आईडी से, जो भी आईडी है आपका, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर का है, डिस्ट्रीब्यूटर का है या तो फिर रिटेलर का है। तो देखिए दोस्तों आपको मैंने यहाँ पर दिखाने के लिए तीनों ही तरह के आईडी से लॉगिन कर लिया हूँ। सबसे पहला जो है मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी से, और इस आईडी से ये जो एक डिस्ट्रीब्यूटर आईडी क्रिएट किया गया है इस आईडी से भी, और डिस्ट्रीब्यूटर आईडी के जरिए जो एक रिटेलर आईडी क्रिएट किया गया है उस आईडी से भी मैं यहाँ पर लॉगिन कर लिया हूँ। तो यहाँ पर रिटेलर आईडी से सबसे पहले जो है डायरेक्टली सेल्फ कूपन बाई करके देखते हैं कि इनको यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर को और मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को इसका कमीशन मिलता है या फिर नहीं। तो सिंपली यहाँ पर जो है बाई कूपन ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस बटन पर क्लिक करते से ही यहाँ पर फिल डिटेल शेयर सिलेक्ट आईडी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिलेक्ट कूपन में फिजिकल कूपन या ई कूपन जो भी लेना हो, तो यहाँ पर मैं फिजिकल कूपन सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नंबर ऑफ कूपन, कितना कूपन परचेस करना है वो यहाँ पर लिख देना है। तो सिंपली यहाँ पर मैं एक कूपन बाई करने वाला हूँ। उसके बाद पे एंड बाई कूपन, इस पर सिंपली क्लिक कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको तुरंत ही यहाँ पर पेमेंट मेथड खुल जाएगा, तो इसमें से किसी भी पेमेंट मेथड से जो है आपको तुरंत पे कर देना है। तो मैंने पेमेंट कर दिया है, अब यहाँ पर ये प्रोसेसिंग ले रहा है। तो देखिए यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल और ये सक्सेस हो चुका है, योर कूपन विल ट्रांसफर विद इन 5 मिनट। तो देखिए यहाँ पर टोटल कूपन बॉट, पहले यहाँ पर एक था तो यहाँ पर अब 2 हो गया है, यानी कि हमको कूपन मिल चुका है। तो देखिए कितना जल्दी मिल गया है। अब मैं आपको PSA ऑनलाइन पर भी दिखा देता हूँ इस पेज को रिफ्रेश करके। यहाँ पर देख सकते हैं आप अभी 0 और 0 ही दिखा रहा है, तो इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। तो यहाँ पर भी देखिए अब जो है एक कूपन ऐड हो चुका है, यानी कि हमने सक्सेसफुली एक कूपन परचेस कर लिया है। अब चलिए देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर को और मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को इसका कमीशन मिला या फिर नहीं। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर को चलिए यहाँ पर भी रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं 3 रुपये ही बता रहा है कमीशन में। अब देखते हैं यहाँ पर जो है ये 6 रुपये होता है या फिर नहीं। तो देखिए इनका 3 रुपये से बढ़कर यहाँ पर 6 रुपये कमीशन हो गया, यानी कि इनको तुरंत जो है कमीशन मिल भी गया है। अब यहाँ पर दोस्तों देखते हैं मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को यहाँ पर कमीशन मिला या फिर नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कमीशन 1 रुपये, क्योंकि एक ही कूपन इन्होंने सेल किया था समझ लीजिए, तो यहाँ पर इनको 1 ही रुपये ही कमीशन मिला था। अब इस पेज को हम रिफ्रेश कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी देखिए इनका 1 रुपये से बढ़कर 2 रुपये कमीशन हो गया है, क्योंकि अभी अभी और एक कूपन जो है यहाँ पर सेल हो चुका है। तो देखा दोस्तों डायरेक्ट रिटेलर अगर सेल्फ भी बाई करता है कोई कूपन, तो भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर और मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को भी यहाँ कमीशन मिलेगा ही मिलेगा। तो ये था इसका जो है नया सिस्टम, और ये ऑटोमेटिक सिस्टम बहुत ही जो है कामगार साबित होगा अगर आप भी इसका यूज करते हैं। तो देखा दोस्तों आपको मैंने लाइव प्रूफ दिखा दिया कि अगर रिटेलर सेल्फ कूपन बाई करता है और उसे यूज करता है, तो भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर और मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर इन सभी को जो है कमीशन जरूर मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप किसी भी तरह का यहाँ पर लेबल का आईडी चाहते हैं, यूजर आईडी चाहते हैं, तो दोस्तों आपको यहाँ पर स्क्रीन पर एक कॉन्टेक्ट नंबर दिखाया जा रहा है, उससे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और आप चाहे सब एडमिन, व्हाइट लेबल, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर, किसी भी तरह के लेबल का यूजर आईडी ले सकते हैं रजिस्ट्रेशन करके। तो आप जो है स्क्रीन पर दिख रहे कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल कीजिए और उनसे बात कर सकते हैं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा, जहां पर जाकर आप आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।